हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो आइए देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट ऑल्सो टेस्ट द कंडीशन। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स भी कंडीशन को टेस्ट करता है, जिस तरह से इफ़ स्टेटमेंट करता था। लेकिन इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, सिर्फ एक ही ब्लॉक होता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो ब्लॉक के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ब्लॉक के अंदर के कोडिंग को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर दो ब्लॉक्स होती हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तब एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होती होगी तो दूसरे ब्लॉक की जो कोडिंग होती है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इट एग्जीक्यूट्स इफ ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के ब्लॉक के अंदर की कोडिंग को एग्जीक्यूट किया जाएगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के ब्लॉक के अंदर लिखी हुई कोडिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले कीवर्ड लगाकर, हम इफ़ कीवर्ड लगाकर इसके पैरेंथेसिस के अंदर कुछ कंडीशंस लिखते हैं, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा कंपाइलर इफ़ के ब्लॉक के अंदर एंटर करता है, और यहाँ पर जितनी स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं सबको एग्जीक्यूट किया जाता है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा कंट्रोलर एल्स के ब्लॉक के अंदर एंटर करता है, और यहाँ पर जितनी भी कंडीशन सॉरी स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं उन सबको एग्जीक्यूट कर देता है। तो आइए इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है। फ्लो चार्ट में ये बताया गया है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारा कंट्रोलर कंडीशन को टेस्ट करता है, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा कंट्रोलर इफ की ब्लॉक के अंदर एंटर करता है और उसकी कोडिंग को एग्जीक्यूट कर देता है, और फिर इफ की बॉडी से बाहर निकल आता है और उसके बाद की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोलर एल्स के ब्लॉक के अंदर एंटर करता है और एल्स के ब्लॉक के अंदर लिखी हुई कोडिंग को एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद एल्स के ब्लॉक से बाहर निकल आता है और उसके बाद की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देता है। तो चलिए हम इसका एक प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम देखकर इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हमने एक कोडिंग की है। एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडर फाइल्स को इंक्लूड की है, और फिर इज़ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और फिर हमने मेन फंक्शन के अंदर कुछ कोडिंग की है। तो आइए देखते हैं ये कोडिंग क्या है। हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है, और नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने सी आउट के अंदर डबल कोमाज के अंदर लिखा है एंटर आ नंबर। तो जैसे ही यूज़र इस मैसेज को पढ़ेगा एंटर अ नंबर, तो वो एक नंबर को एंटर करेगा जिसको सी इन उसको ए के अंदर स्टोर कर देगा। अब ए के अंदर हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है ए ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ए ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तो हमारा कंपाइलर इस इफ़ के ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा और यहाँ से इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, जिससे हमें आउटपुट में ये दिखाई देगा इट इज़ पॉजिटिव नंबर अगर ए के अंदर एंटर की गई वैल्यू 0 से ग्रेटर है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ए 0 से ग्रेटर नहीं है, ये मीन्स ए लेस देन हो जाता है, 0 से छोटा हो जाता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हमारा कंपाइलर ए के ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करता, वो एल्स के ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा, और यहाँ से इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा इट इज़ नेगेटिव नंबर, और फिर यहाँ से बाहर निकल आएगा, फिर रिटर्न 0, और फिर हमारा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो फिनिश हो जाता है। तो चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट पर हम एंटर करते हैं, और यहाँ से सबसे पहले हम कंपाइल पर प्रेस करके इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो हमारे प्रोग्राम का कंपाइलेशन स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसका कंपाइलेशन भी फिनिश हो जाता है। तो देखिए इसका कंपाइलेशन फिनिश हो गया है, एरर भी 0 शो कर रहा है और वार्निंग भी। अब हम फिर से एग्जीक्यूट पर प्रेस करते हैं, और यहाँ से रन ऑप्शन पर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ से ये हमसे कह रहा है कि एंटर अ नंबर, तो यहाँ से हम कोई नंबर एंटर कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ से 9 एंटर किया, और फिर हम एंटर कीवर्ड प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है इट इज़ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि जो ए है वो ए के अंदर जो स्टोर की गई है 9, वो ग्रेटर है 0 से, और ये कंडीशन ट्रू हो गई है। अगर हम यहाँ से कोई नेगेटिव नंबर प्रेस कर देते हैं, मीन्स हम यहाँ पर -5 प्रेस कर देते हैं,
और फिर एंटर कीवर्ड प्रेस करते हैं तो देखिए क्या शो कर रहा है। इट इज़ नेगेटिव नंबर, तो यह नेगेटिव नंबर क्यों शो करा रहा है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ए ग्रेटर देन जीरो नहीं है, क्योंकि ए के अंदर जो एंटर की गई है वो -5 है, और यहाँ से हमारा कंट्रोलर एल्स के ब्लॉक के अंदर एंटर करता है और यहाँ से इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।